तारा फिर जाएगा पाकिस्तान, फिर मचेगा गदर, सिनेमा हॉल में फिर गूंजेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा, तारा फिर दिखाएगा अपना दम। सनी देओल की फिल्म गदर ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। ये सनी की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक मानी जाती है और अब हो गया है गदर 2 का ऐलान। जी हाँ, ऐलान हो गया है कि सनी एक बार फिर से पाकिस्तान की नाक में दम करने वाले हैं। गदर 2 में अमीषा पटेल भी नजर आने वाली हैं। गदर में सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। सनी देओल ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया। कहा जा रहा है कि इस बार तारा का साथ देगा तारा का बेटा चरणजीत, यानी जीते। फिल्म गदर में जीते का किरदार निभाने वाले उत्कर्ष सिंह ने सबका दिल जीत लिया था। सनी देओल और अमीषा पटेल ने तो फिल्म में कमाल किया ही था, जीते का किरदार निभाने वाला ये बच्चा भी कमाल कर गया था। उस वक्त उत्कर्ष शर्मा की उम्र 6 साल थी और अब वो बड़े हो गए हैं और सनी के साथ वो भी गदर मचाएंगे। उत्कर्ष डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। अनिल शर्मा ने ही गदर बनाई थी और वो ही गदर 2 भी बना रहे हैं और गदर 2 में उत्कर्ष एक अहम रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म साल 2018 में आई थी। 26 साल के उत्कर्ष फिल्म जीनियस से डेब्यू कर चुके हैं। ये फिल्म साल 2018 में आई थी लेकिन कुछ खास कर नहीं पाई। लेकिन अब खबर है कि उत्कर्ष को मिलने वाला है अपने ऑन स्क्रीन पापा तारा सिंह यानी सनी देओल का साथ। गदर सनी के करियर की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। गदर जबरदस्त कामयाब रही थी। यह आमिर खान की फिल्म लगान के साथ रिलीज हुई थी लेकिन तब भी फिल्म सुपर हिट रही थी। सनी देओल के गदर वाले डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हैं और अब इसके पार्ट 2 से भी काफी उम्मीदें हैं और उम्मीद है कि उससे उत्कर्ष का करियर भी संवरेगा। और सबसे बड़ी बात, फैंस को सनी देओल का वो अवतार देखने को मिलेगा जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो देखते हैं कि इस बार तारा फिर से पाकिस्तान जाकर क्या हंगामा खड़ा करता है। ABP News आपको रखे आगे।